सो हेलो एवरीवन तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं केमिस्ट्री का अगला चैप्टर एंड दैट इज़ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स तो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में यानी कि अपने केमिस्ट्री के पहले लेक्चर में दो चैप्टर्स देख लिए थे ठीक है यानी कि मैटर क्या होता है इज़ मैटर अराउंड अस प्योर दो चैप्टर देखे थे यहाँ पे एटम्स एंड मॉलिक्यूल एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स देखने वाले हैं दोनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और दोनों से ही आपके काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं और जैसे कि पिछले लेक्चर में जो दोनों आपको चैप्टर्स करवाए थे वो एन के रेफरेंस से करवाए थे वैसे यहाँ पे भी मैं एन सी के रेफरेंस से करवाने वाला हूँ और यकीन मानिए जैसे कि मैंने आपको पहले भी हर टॉपिक हर लेक्चर में बताया आपको कि आप बस इन लेक्चर्स को फॉलो कीजिए जो भी मैं साइंस में करा कर रहा हूँ जैसे मैंने बायोलॉजी करवाया तो बायोलॉजी से कुछ भी क्वेश्चन आ जाएगा उससे बाहर नहीं जाएगा जो मैंने पढ़ाया और केमिस्ट्री में मैं भी वही सेम चीज़ बोलता हूँ ठीक है बिकॉज़ एन सी आर टी से वो बाहर जाता नहीं है एन सी आर टी को ही रेफर करके सारी चीज़ें समझाते हुए मैं आपको जिसने कभी भी साइंस नहीं पढ़ा उसको भी सारी चीज़ें यहाँ पे समझ में आने वाली हैं ठीक है थीके? तो बस आपको रेगुलर रहना अपने साइड से और आप पी वाई क्यूज भी अटेंड करके देख सकते हो कोई भी ऐसा आपको पी वाई क्यू नहीं मिलेगा आपका चाहे एन डी एग्जाम हो चाहे सी डी एस या सी ए पी एफ जॉब करना पाओ ठीक है बिकॉज़ साइंस एक लो हैंगिंग फ्रूट है ठीक है तो इस वजह से इस पर अच्छे से फोकस करने की ज़रूरत है चलिए स्टार्ट करते हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स तो मॉलिक्यूल्स का जो बेसिक चीज़ है वो मैंने आपको थोड़ा सा बेसिक सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग पिछले वाले लेक्चर में दिया था ठीक है और एटम्स uh, कैस में देख लेते हैं अब एटम होता क्या है तो यहाँ पर ये जो आपका पूरा पैरा दिया है ठीक है कहाँ पर ये लेफ्ट साइड में तो यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि सबसे पहले हमारे इंडिया में महारिषि कन्नड़ जी ने इसको किसको ये जो कोई भी मैटर होता है उसको ब्रेक करने का ब्रेक करना स्टार्ट किया डिवाइड करना स्टार्ट किया ये देखने के लिए कि जो मैटर होता है ये किसका बना होता है अब ये एटम भी मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था जैसे कि जैसे कि हमारे सेल्स होते हैं ठीक है जैसे कि हमारे सेल्स होते हैं अब एकदम बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इन बायोलॉजी पढ़ते हैं वैसे ही ये हमारे एटम्स होते हैं एटम से मिल ही मैटर बनता है मैंने बताया था नहीं आपको पिछले लेक्चर में जैसे फॉर एग्जाम्पल ये आयरन की रॉड है ठीक है तो यहाँ पे क्या होंगे आयरन के एटम्स होंगे होंगे कि नहीं होंगे ये कॉपर की रॉड है तो यहाँ पे कॉपर के एटम्स होंगे ये सारे एटम्स आपस में सिमिलर होंगे दैट इज वाई विल सेट एज एलिमेंट ठीक है इसके सेम होंगे तो ये ये होगा एलिमेंट फिर मैंने आपको एग्जांपल दिया था जैसे कि आपका पानी होता है ठीक है पानी में किसके मॉलिक्यूल्स आपको देखने को मिलेंगे एच के अब यहाँ पे हाइड्रोजन भी है यहाँ पे ऑक्सीजन से दोनों से मिल के बने यानी कि हाइड्रोजन के आटम्स होंगे और ऑक्सीजन के एटम्स होंगे ठीक है तो उससे ये बना मॉलिक्यूल तो ऐसे मैंने आपको ऐटम मॉलिक्यूल इन सबके बीच में पिछले लेक्चर में एलिमेंट और मॉलिक्यूल के बीच में डिफरेंस समझाया था आपको ठीक है तो एटम्स क्या है एकदम आप चीज़ों मैटर को डिवाइड करते जाओ डिवाइड करते जाओ तो उसके बाद यानी कि एक ऐसा पॉइंट आएगा जिसके बाद फर्दर डिविज़न नहीं होगा दैट इज़ वाट इज कॉल्ड एज एटम्स ठीक है एटम आपका सबसे बेसिक यूनिट आप बोल सकते हो ठीक है यानी कि इससे फर्दर वो डिवाइड नहीं होगा वही यहाँ पे दिया हुआ है कि महर्षि कन्नड़ ने सबसे पहले इसको डिवाइड किया मैटर को जिसको हिंदी पदार्थ बोलते हैं और इसको इन्होंने हिंदी में नाम दिया था परमाणु इंग्लिश में तो उसके आइटम बोलते हैं बट हिंदी में उन्होंने परमाणु नाम दिया फिर इन्होंने ये दो विदेशी साइंटिस्ट ये विदेशी ऐप के केमिस्ट डेमोक्रेटिस एंड लेक तो इन्होंने भी डिवाइड किया मैटर को इन्होंने बोला कि फर्दर ये आइटम्स के बियॉन्ड डिवाइड नहीं होगा तो वही जो इन्होंने बात बोली हमारे महारिषिकन्नड़ ने वही इन लोगों ने बात वो बोली थी आपको बस ये देखना है राइट इसमें इनका नाम रटने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल बहुत कम चांसेस है कि वो आपसे नाम एग्जैक्टली exactly पूछेगा बस याद रखो ये डेमोक्रेटस और ये लैकेपस बस ठीक है याद इन देंस कि बस देख लो उतना रटना नहीं आपको ठीक है फिर ये चीज़ आपको रटना है क्या ये चीज है आपकी कि एंटनी लेवोइजर लेट द फाउंडेशन ऑफ केमिकल साइंसेज बाई स्टैब्लिशिंग टू इंपॉर्टेंट लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन तो इन्होंने दो इंपॉर्टेंट लॉज दिए थे केमिकल कॉम्बिनेशन के लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन जब इन पढ़ने वाले किसने दिए थे ध्यान रखना एंटनी लेवोइजर ने ये नाम यहाँ पे याद रखना ठीक है एक सेकेंड उस मैं बड़ा कर लेता हूँ तो ये एंटनी लवाजियर यहाँ पे आप नाम याद रखना इन्होंने दिए थे आपके लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन अब उसमें से पहला पढ़ेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बोलता क्या है ये लॉ ये बोलता है कि यहाँ पे लिखा होगा आपका कि स्टेट स्टेट्स दैट मास कैन बी क्रिएटेड नाउ बी डिस्ट्रॉड इन अ केमिकल रिएक्शन ये आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि जो आपका मास है ना तो उसको क्रिएट किया जा सकता है ना तो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर ये एनर्जी के लिए हम पढ़ते हैं ठीक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में पढ़ते हैं कि नहीं एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉ बी डिस्ट्रॉयड इट कैन ओनली बी ट्रांसफर फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर ठीक है तो वही आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है कि मास को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं किसी एक केमिकल रिएक्शन में ठीक दूसरा था लॉ लॉफ कॉन्स्टेंट लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन में इन्होंने क्या बोला इसमें इन्होंने ये बोला इसको मैं बेसिक से एकदम समझाता हूँ जैसे कि ये पीने वाला पानी है ठीक है इस ये पानी को लोगे नाले का पानी लोगे दोनों में ही तुम्हें एच टू ओ के ही वाटर मॉलिक्यूल्स मिलेंगे इन्होंने ये है लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शनलिटी वहाँ पे ये नहीं है कि नाले का पानी का एच ओ टू हो जाएगा या फिर एच ओ वन ओ वन पॉइंट फाइव फॉर्मला हो जाएगा ठीक है यानी कि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन यानी कि प्रोपोर्शन जो रहेगा यानी कि हाइड्रोजन का एक एटम में दो एटम है ऑक्सीजन का एक तो वो कांस्टेंट प्रोपोर्शन वो हर चीज में कांस्टेंट रहेगा इन रेस्पेक्टिव वेर इट वेयर द कंपाउंड केम फ्रॉम और हु प्रपेयर इट कहाँ से आया और किसने प्रिपेयर किया डजेंट मैटर अगर वो कंपाउंड है वो सेम तो उसमें सेम ही मॉलिक्यूल्स का रेशियो जो मॉलिक्यूल होंगे उसमें एलिमेंट्स का रेशियो सेम होगा ले अलॉन्ग विद अदर साइंटिस्ट नोटेड दैट मेनी कंपाउंड्स वो कंपोज ऑफ टू और मोर एलिमेंट यानी ज्यादातर कंपाउंड्स जो थे उनमें दो या दो से अधिक एलिमेंट्स थे एंड ईच सच कंपाउंड है सेम एलिमेंट्स इन दी सेम प्रपोर्शन ठीक है सेम एलिमेंट होंगे जैसे कि पानी में ये घर का पानी है नाले का पानी है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही होगा और हाइड्रोजन के दो आइटम और ऑक्सीजन का एक आइटम वही चीज़ ही होगी इसमें ठीक है ये चीज़ डिफरेंट uh, नहीं होगी ना कंपाउंड सच एज वाटर द रेशियो ऑफ द मास ऑफ हाइड्रोजन टू द मास ऑफ ऑक्सीजन इज ऑलवेज वन इज टू एट अब यहाँ पे मास के टर्म्स में दे दिया अब ये मास क्या होता है भाई तो मास आपको हाइड्रोजन से लेके कैल्शियम तक हाइड्रोजन ही लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरिन सब आपको रटा होना चाहिए टिल कैल्शियम हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर एट, कितना होता है वन होता है कैल्शियम का ट्वेंटी होता है ठीक है तो इनके यहाँ से लेके यहाँ तक सारे एटॉमिक वेट याद होने चाहिए जैसे हाइड्रोजन का एक होता है एटॉमिक वेट और ऑक्सीजन का कितना होता है ऑक्सीजन का आपका सॉरी इसका यहाँ पे आपका दो एटॉमिक मास होगा और इसका यहाँ पे कैल्स कैल्शियम का नहीं यहाँ पे ऑक्सीजन का मार रहे ना तो ऑक्सीजन का होता है सोलह ध्यान रखना ठीक है ऑक्सीजन का होता है सोलह टू इस टू सिक्सटीन का मतलब क्या हुआ वन इजू एट राइट तो वही यहाँ पे लिखा हुआ वन इस टू एट के रेशियो में ये होते हैं ठीक और दस इफ नाइन ग्राम ऑफ वाटर इज डिकम्पोज वन ग्राम ऑफ हाइड्रोजन मिलेगा और एक एट ग्राम ऑफ ऑक्सीजन मिलेगा इन अ केमिकल सब्सटेंस द एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंटेड डेफिनेट प्रोपोर्शन बाई मास तो यही है आपका लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट पोशंस और दोनों किसने दिए थे लावाइजियर ने लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट मास वाला और लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट पोशंस वाला ठीक अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम फेस बाई साट एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस लॉस तो इनका अप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन भी इनको बैकिंग अभी तक नहीं मिल पा रही थी और वो बैकिंग देने का काम किया किसने यहाँ से आते हैं डाल्टन भाई ठीक है जॉन डाल्टन इन्होंने अपनी एक थ्योरी दी एटॉमिक थ्योरी तो सबसे पहले तो यही इंपॉर्टेंट है कि एटॉमिक थ्योरी किसने दी थी तो डाल्टन ने दी थी एटॉमिक थ्योरी ठीक अभी इसमें इन्होंने क्या बोला था इनके पॉस्टुलेट्स क्या थे इस थ्योरी के ऑल मैटर इज़ मेड ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स यानी कि हर मैटर बहुत ही छोटे 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 पार्टिकल्स के बन, बन के मिलकर बना होता है जिसको हम ऐटम्स बोलते हैं ठीक है ये तो अभी हम देख के आए हैं एटम्स आर इंडिविजुअल सॉरी इंडिविजबल पार्टिकल्स विच कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन क्योंकि ऐटम इतना छोटा है कि उसको आप डिवाइड नहीं कर सकते हो फर्दर ठीक तभी तो हम बोल रहे हैं कि वो एकदम टाइनी पार्टिकल्स हैं सबसे एंड में डिवाइड करते 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 आपको क्या मिलेगा एटम मिलेगा यानी एटम से बियॉन्ड आप उसका डिविजन नहीं कर सकते हो एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ यानी कि अगर ये आयरन की रॉड है तो ये सारे एटम्स आयरन की रॉड के अंदर सेम होंगे चाहे किसी भी एटम को उठा लोगे सेम ही प्रॉपर्टी शो करेगा ठीक ये ध्यान रखना आर आइडेंटिकल इन मास केमिकल प्रॉपर्टीज़ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ डिफरेंट मासेज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल अगर ये मैं कॉपर के आइटम्स ले लूँगा तो ये कॉपर के आइटम्स इससे डिफरेंट होंगे आयरन के आटम्स हो लेकिन अंदर ही अंदर ये जो कॉपर के आइटम्स होंगे वो सेम बिहेव करेंगे सेम केमिकल प्रॉपर्टीज शो करेंगे आइटम्स कम्बाइन इन द रेश ऑफ स्मॉल होल नंबर्स टू फॉर्म कम्पाउंड यानी होल नंबर में कम्पाउ मिल के कम्पाउंड बनाते हैं जैसे कि अगर हम बात करें एच टू ओ आप सुनते हो ठीक है एफ ई एस ओ फोर सुनते हो कभी ये सुना है एच वन पॉइंट फाइव ओ टू पॉइंट फाइव ना कभी सुना एफ ई वन पॉइंट फाइव ना क्योंकि ये हमेशा होल नंबर्स में कंबाइन करते हैं यही इसका मतलब है ठीक फिर अगला आपका द रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम्स आर कॉन्स्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड रिलेटिव जो नंबर है एंड काइंड ऑफ एटम वो सेम ही रहता है आपके किसी भी कंपाउंड में ठीक जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर आपका वाटर में जो एच के मॉलिक्यूल्स हैं ठीक है ठीके? तो यहाँ पे आपके ये दी थी जॉन डाल्टन uh, ने इनकी एटॉमिक थ्योरी और उसके पॉस्टुलेट्स हैं ये ठीक है ये आपको एक बार थोड़ा देख लेना अच्छे से अब यहाँ पे इसके बाद आता है आपका वॉट इज एन ऐटम तो ऐटम है क्या तो ऐटम तो अभी समझ गया ना क्या है बिल्डिंग ब्लॉक है ये यानी इससे जैसे कि घर ईंट से बनता है वैसे ही कोई मैटर ऐटम से बनता है सिंपल अब ऐटम सबसे छोटी चीज़ अब कितना छोटा है ये यह, यहाँ पे ये बात आती है तो ऐटम का जो एटो साइज होता है वो वन नैनोमीटर का होता है ठीक है एटम का जो साइज़ होता है दैट इज़ ऑफ वन नैनोमीटर वन नैनोमीटर का मतलब क्या होता है टेन टू दी पावर नाइन मीटर टेन टू पावर नाइन मीटर का मतलब क्या हो वन अपॉन वन जीरो 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 नौ बार जीरो लिखो तब इतने इतना छोटा होता है एटम समझ रहे हो यानी एक को कितने एक लगाओ और एक के बाद नौ जीरो लगाओ उतना छोटा होता है टेन टू पावर नाइन मीटर एक नाइनोमीटर में टेन टू पावर नाइन नाइनोमीटर होता है ठीक है इतनी चीज़ क्लियर तो ये होता है आपका टेन टू पावर नाइन मीटर इसका साइज ठीक है किसी भी एक जनरल एटम का ठीक है तो ये चीज़ ध्यान रखना है आपको फिर यहाँ पे दिया है वॉट आर द मॉडर्न डे सिम्बल्स ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स तो डॉल्टन वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू यूज़ द सिंबल फॉर एलिमेंट तो ये आप देखिएगा सबसे पहले सिम्बल किसने यूज़ किया डॉल्टन ने जॉन डॉल्टन ने स्टार्ट किया यूज़ करना बजीलियस सजेस्टेड दैट द सिंबल्स ऑफ एलिमेंट बी मेड फ्रॉम वन और टू लेटर्स ऑफ द नेम ऑफ एलिमेंट अभी आप देखते हो हाइड्रोजन ठीक है ऑक्सीजन आयरन ठीक है कैल्शियम मैग्नीशियम ये सब क्यों मैग्नीशियम को एम क्यों लिखते हैं कैल्शियम को सी क्यों लिखते हैं बिकॉज ये सबसे पहले दिया था बर्जीलियस ने बर्जीलियस स्टेटेड सिंबल्स ऑफ एलिमेंट बी मेड फ्रॉम वन और टू लेटर्स यानी कि एक या दो लेटर्स सब जैसे ऑक्सीजन है इसमें एक ही लेटर यूज किया जाता है आयरन में अगर हम बात करें तो एफ का यूज होता है अब क्यों कैसे एफिक का यूज़ क्यों करते हैं वो भी हम आगे देखेंगे और नहीं भी देखेंगे तो चलेगा बिकॉज ये हमसे नहीं पूछने वाला है और ये भी नहीं पूछेगा कि सिंबल कैसे लिखा जाता है वो सारी चीज़ें नहीं पूछेगा कि सिंबल का रूल ये होता है कि जैसे अगर दो लेटर्स हैं सिंबल में तो पहला कैपिटल होगा और दूसरा स्मॉल होगा अगर एक ही उसकी बात करें एलिमेंट की ठीक है तो ये आपको याद होना चाहिए याद इन द सेंस कि ये पता होना चाहिए बर्जीलियस ने सबसे पहले ये चीज़ बोली थी ठीक अब इसके बाद आ जाते हैं तो सिंबल्स प्रपोज किए थे आपके सबसे पहले डोल्टन ने और सिंबल सजेस्टेड दादा सिंबल्स ऑफ लिम में uh, कितने मतलब लेटर्स यूज होने चाहिए ये बोला था बजीलियस ने ठीक है चलो अभी आते हैं अभी तो आ, आपकी आई यू पी एस सी चलती है ठीक है आई यू पी एस सी के अकॉर्डिंग uh, ही नामकरण किया जाता है एलिमेंट्स का खैर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आई यू पी एस सी नामकरण करता है ठीक है जैसे कि आपको फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन को एच से लिखते हैं एल्यूमिनियम को ए और शॉर्ट एल लिखते हैं ना कि ए और कैपिटल एल क्योंकि जो दूसरा लेटर आता है वो हमेशा छोटा होता है लेकिन यहाँ पे देखो अगर ये C और छोटा O लिखा तो ये हो जाएगा कोबाल्ट लेकिन अगर C और बड़ा O कर दिया तो इसका मतलब हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड अब इसमें सिर्फ एक ही तरह के आइटम्स से कोबाल्ट के लेकिन इसमें कार्बन के भी आइटम्स हैं और इसमें ऑक्सीजन के भी आइटम्स हैं राइट तो ये बस आपको देख लेना उतना खैर इंपॉर्टेंट है नहीं अब यहाँ पे आते हैं सिम्बल्स ऑफ सम एलिमेंट बस आपको काम क्या करना है कि बीस तक जितने भी बीस एटॉमिक नंबर तक जितने भी एलिमेंट आते हैं उनके आपको एटॉमिक मास रट के रखने हैं बिकॉज ये आपको काम आएंगे ठीक है यानी कि आपको हाइड्रोजन से लेके कैल्शियम तक रटा होना चाहिए ठीक तो ये आपके सिंबल्स हैं और आप देख सकते देख लो जैसे कि आपका गोल्ड का ए होता है इतना तो खैर बेसिक चीज़ नहीं पूछता है लेकिन बेसिक पता होनी चाहिए ताकि एडवांस चीज़ें आपको पता हो जाए ठीक है एडवांस चीज़ें आपको तो समझ में आए तो गोल्ड का ए सिंबल होता है आयोडीन का आई होता है ठीक है ये सारे सिंबल आप एक बार देख लो जिन लोगों को नहीं पता आप में से काफ़ी लोगों को पता होगा मुझे पता है ठीक है विद ऑक्सीजन एटॉमिक मास मासपन ठीक है फिर यहाँ पे वही एम को डिफाइन किया जैसे कि हम वही है ना कि तरबूज जब अरबूज को किलो में मापते हैं ठीक है के होता है ग्राम होता है क्या होती है बाहर की यूनिट होती है लेकिन आटम वगैरह इतने हल्के होते हैं इनको किलोग्राम और ग्राम में थोड़ी ना माप सकते हैं तो उसके अलावा एम यू का यूज़ करते हैं एम का मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट ठीक है एटॉमिक मास यूनिट जैसे फॉर एग्जाम्पल एक, एक जो कार्बन आटम है उसका वन ट्वेल्थ ऑफ एम ये वैल्यू होता है उसका वन ट्वेल्थ क्यों ही लेते हैं वन ट्वेल्थ ऑफ़ जो कार्बन का एटॉमिक मास है उतना एक कार्बन के आटम का वेट होता है कार्बन का एटॉमिक जो मास होता है वो बारह होता है तो तुम बारह इसकी जगह रखोगे तो यही एक एम यू निकल के आएगा एकदम बेसिक चीज़ आपसे पूछेगा नहीं नहीं समझ में आ रहा है तो अभी छोड़ सकते हो ठीक है जो चीज़ मैं आपको बोलूँगा रटने के लिए वो आपको बस उतना रटना होगा ठीक है मॉलिक्यूल क्या होता है ये मैम हम लोग देख चुके हैं अभी मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं बस अब यहाँ पे ध्यान से एक कॉन्सेप्ट को समझिएगा एंड दैट इज़ एटोमिसिटी यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है दैट इज अटोमिसिटी ऑफ एनी एलिमेंट ठीक है अटोमिसिटी यहाँ पे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है अटोमिसिटी से क्वेश्चन आता भी है कि जैसे आपको एक दे देगा इसके पूछ लेगा कि इसकी अटोमिसिटी कितनी है ठीक है तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि मॉलिक्यूल्स ऑफ मनी एलिमेंट्स सच एस ऑर्गन ऑफ ओनली ओनली वन एटम ऑफ दैट एलिमेंट बट दिस इज नॉट अके द केस विद द मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स फॉर एग्जाम्पल अ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन कंसिस्ट ऑफ टू एटम्स ऑफ ऑक्सीजन तो हैंस इट इज़ नोन एज एटॉमिक मतलब अटोमिसिटी उसकी दो हो गई इफ थ्री एटम्स ऑफ ऑक्सीजन यूनाइट इन टू अ मॉलिक्यूल अगर वो ऐसे ही यूनाइट हो गए तो भाई यहाँ पे तो तीन मॉलिक्यूल हो गए जिसको हम ओजोन बोलते हैं तो इसकी अटोमिसिटी कितनी हो जाएगी तीन हो जाएगी यानी कि ये ट्राई एटॉमिक हो जाएगा ठीक है इंस्टेड टू वी गॉट गेट ओजोन द नंबर ऑफ एटम एटम्यूट अ मॉलिक्यूल इज नोन एज एटोमिसिटी अच्छा ओजोन आपको होमवर्क है कि कौन सी एटमोसफेयर की लेयर में पाया जाता है आपको बताना है खैर ठीक है बैक टू केमिस्ट्री अटोमिसिटी वही है कि टोटल नंबर ऑफ एटम्स उसमें कितने एलिमेंट में जैसे कि अगर मैं एच टू वो लिखता हूँ ठीक है तो इसमें कितने हैं दो हाइड्रोजन के एटम्स हैं और एक यहाँ पे ऑक्सीजन का है तो मतलब ये इसकी अटोमिसिटी तीन हो गई ठीक है इस चीज़ को ध्यान रखना आप उसमें टोटल नंबर ऑफ जितने आपके एटम्स होंगे उसी से अटोमिसिटी डिसाइड होती है जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बोल दूँ एफ की अटोमिसिटी कितनी होगी तो एक यहाँ पे एफ का है आयरन का एक सल्फर का है ठीक है वन प्लस वन और ऑक्सीजन के चार हैं तो चार एक पाँच एक छः तो ऑटोमिसिटी छः हो गई अब ये कुछ है इनकी आपको रटना है ये रटना या फिर समझना जो भी आप बोल रहे हो बिकॉज जैसे ऑर्गन है तो ऑर्गन कभी ए आर टू आपने देखा है ए आर थ्री देखा नहीं देखा है तो ये ऐसे सिंगल ही एग्जिस्ट करता है बेचारा तो एआर है तो इस वजह से मोनो ऑटोमिक होगा हीलियम हीलियम भी कभी आपने एच ई टू करके देखा है नहीं देखा होगा एच ई टू एच ई थ्री एच ई फोर नहीं देखा होगा सिर्फ एच ई के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है इसलिए दैट इज ऑल्सो मोनाटॉमिक ऑक्सीजन की बात करें ओ टू तो ये आपका डायोटोमिक होता है अगर ओजोन की बात कर रहे हैं तो ट्राओटॉमिक हो जाएगा हाइड्रोजन आपका आपने हमेशा एच टू के फॉर्म में देखा होगा तो वो आपका डायोटॉमिक हो गया नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन आपका ये भी डायटॉमिक होता है क्लोरिन भी डायोटॉमिक होता है फॉस्फोरस की बात करें टेटराटोमिक होता है पी फोर ठीक है सल्फर आपका पॉलीटोमिक होता है यानी कि पॉली में आपका आ गया कि आपका चार से ज़्यादा या फिर पॉली में क्या हो गया कि चार से ज़्यादा फिर पाँच से ज़्यादा आपका जितना भी आ गया वो की कैटेगरी में आ जाएगा ठीक है इतनी चीज़ क्लियर फॉसफोरस याद रखना है आपका पर टेक्ट्राटोमिक होता है सल्फर पॉलीअटॉमिक ठीक है अटामिसिटी कैसे निकालते हैं आप समझिए अभी ठीक अभी आगे बढ़ते हैं मॉलिक्यूल्स और कहीं पर भी किसी को भी कोई डाउट होगा तो वो कॉमेंट में पूछ लेगा ठीक है अभी आते हैं एक आयन क्या होता है वॉट इज एन आयन तो आयन देखो होता क्या है ऐसे समझो कोई भी जो एलिमेंट होता है ठीक है उसमें सर्टेन कोई भी जो एटम होता है उसमें सर्टेन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं क्या प्रेजेंट होते हैं इलेक्ट्रॉन्स अब जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं किसी भी एटम में तो वो उसके अराउंड घूमते रहते हैं एटम के अराउंड जो भी जैसे फॉर एग्जाम्पल ये एटम है ठीक है तो इसके एटम का एक न्यूक्लियस होता है केंद्र जिसको बोलते हैं और इसके अराउंड ऑर्बिट होते हैं ऑर्बिट का मतलब क्या होता है पाथ रास्ता उस रास्ते में इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं क्या घूमते हैं इलेक्ट्रॉन घूमते हैं ऐसे ऐसे करके घूमते रहते हैं इसके चक्कर लगाते रहते हैं ठीक है तो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनका आदान प्रदान चलता रहता है दूसरे से ठीक है जैसे कि कोई एलिमेंट है उसका एटम है जिसके अराउंड ये इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं ठीक तो अब इनका आदान प्रदान चलता रहता है दूसरे एलिमेंट के आइटम से क्यों आदान प्रदान चलता है या फिर खुद के ही आ, कभी कभी जैसे कार्बन केस में देखेंगे खुद के ही एटम से इलेक्ट्रॉन्स का आदान प्रदान चलता है वो इसलिए चलता है टू गेन स्टेबिलिटी पूरा केमिस्ट्री में जो गेम चल रहा है वो सिर्फ स्टेबिलिटी गेन करने का चल रहा है स्टेबिलिटी कैसे गेन किया जा सकता है एक तो या तो आप इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दो खो दो या फिर इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लो ठीक है या तो आप लॉस कर दो या फिर गेन कर लो अगर लॉस और गेन करने से जो आपका वो बनता है उसको हम आयन बोलते हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पर बताता हूँ जैसे सोडियम होता है हमारा ठीक है सोडियम होता है हमारा ठीक सोडियम का एटॉमिक नंबर जिन लोगों को पता होगा नहीं पता है तो रट के रखिए पता होना चाहिए इलेवन होता है अब इसको अगर हम ब्रेक करें तो टू कॉमा एट कॉमा वन इस फॉर्म में होता है ठीक है अब ये क्या करेगा गेन करेगा लूज करेगा क्या करेगा ये ये करेगा कि ये कैसे पता चलेगा ये हमें ऐसे पता चलेगा इस फॉर्मूले से पता चलेगा ये फार्मूला क्या है ये फार्मूला हमें हमें बोर भैया ने दिया था ठीक है टू एन स्क्वायर अभी फिर टू एंड स्क्वायर ये बोलता है हमें कि कोई भी शेल में कोई भी ऑर्बिट में कोई भी पाथ में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम कितने रिवॉल्व करेंगे वो इस फॉर्मूले से पता चलेंगे जैसे कि ये किसी एलिमेंट का एटम है ठीक है एटम की ये शेल्स हैं ठीक है ये इसका न्यूक्लियस है एटम का और ये इसके अराउंड शेल्स हैं ठीक है ठीके, ये पहली शेल है ये दूसरी शेल है ये तीसरी शेल है तो पहली में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं दूसरे में कितने आ सकते हैं तीसरे में कितने आ सकते हैं ये हमें ऐसे पता चलेगा जैसे कि अगर हमें पहले में निकालना है तो एन की जगह वन रख दो तो कितना दो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं पहली सेल में अगर मैं दूसरे की बात कर लू तो दो रख दो उसकी जगह तो दो का स्क्वायर चार इंटू दो आठ हो जाएगा अगर मैं तीसरी की बात कर लू तो थ्री का स्क्वायर नाइन इंटू टू इज टू एटीन आ सकते हैं ठीक अभी मैंने बताया सोडियम का इनकी समझ गया है ना तो जो भी अगर आपको शेल का निकालना है तो टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने हो सकते हैं मिनिमम तो कितने भी रख दो मैक्सिमम कितने हो सकते हैं टू एन स्क्वायर फॉर्मूले से ही हमें पता चलेगा ठीक है तो अभी हमने बोला था सोडियम का मैंने एग्जाम्पल लिया था तो उसका हमने ग्यारह एटॉमिक नंबर होता है उसको डिवाइड करो दो आठ एक में ही क्यों डिवाइड किया क्यों हमने इसको आठ दो एक क्यों नहीं लिख दिया इसलिए नहीं लिख दिया बिकॉज पहली शेल में दो से ज़्यादा आ ही नहीं सकते हैं पहली शेल में दो से ज़्यादा आ ही नहीं सकते हैं तो पहली में दो आ गए यहाँ पे फिर दूसरी शेल में आठ से ज़्यादा नहीं आ सकते हैं देखो ठीक है तो इस वजह से आठ हो गया अब बचा कितना एक ही बचा ना तो आखिरी वाली जो शेल होगी यहाँ यहाँ पे आठ आ जाएंगे ठीक है यहाँ पे आठ आ जाएंगे यहाँ पे एक ही रहेगा अब इसको स्टेबिलिटी गेन करने के लिए क्या आसान होगा इसको एक को लूज़ कर देगा ये एक को खो देगा ये किसी और को दे देगा ठीक है जिसको ज़रूरत होगी जैसे क्लोरीन को जरूरत होती है बेचारे को तो क्लोरीन को ज़रूरत होती है सोडियम ने उसको दे दिया सोडियम को देने की इच्छा थी और क्लोरीन को लेने की इच्छा थी ठीक है तो बस बन गया एन आपका नमक बन गया नमक खाओ चाटो ठीक है तो ऐसे ऐसे ये जो है इनका कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है ठीक है आप समझ गए तो इसकी यहाँ से एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है और वो कॉन्सेप्ट है वैलेंसी का कॉन्सेप्ट सब कुछ लिखा हुआ है उसको भी दिखा देंगे लेकिन अब फ्लो बना ही है तो फ्लो में ही सारी चीजों को निपटा लेते हैं तो वैलेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू बी गेंड और लॉस ठीक है टू बी गेंड और लॉस टू गेन स्टेबिलिटी टू गेन स्टेबिलिटी तो यहां पे जो सोडियम तो था उसने कितने इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया लूज़ uh, किया वन तो उसकी वैलेंसी uh, कितनी हो गई वन हो गई वैलेंसी इज़ अ सुपर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इस पर एन डी ए खासकर एन डी ए हो चाहे सी डी एस हो चाहे सी एफ एफ तीनों में ही भर भर के क्वेश्चन आते हैं आप एनडीए का पेपर उठा के देख लेना एनडीए में तो बहुत ही ज़्यादा आते हैं ठीक है तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई एक अब यहाँ पे मैं ले ले, ले, ले लेता हूँ क्या हुँ, हुँ, हुँ. क्लोरीन ले ले ठीक है क्लोरीन में कितने होते हैं सेवेंटीन होता है इसका ठीक है अब इसको ब्रेक करना चालू करो पहले में कितने आ सकते हैं मैक्सिमम दो आ सकते हैं दूसरे में कितने आ सकते हैं आठ आ सकते हैं बचे कितने सात ठीक है अब ये बोलोगे भाई सात को ये लूज़ कर देगा स्टेबिलिटी मिल जाएगी इसको ठीक है इसमें आठ हो सकते हैं मैक्सिमम तो आठ ही बचेंगे नहीं अब खुद ही सोचो अगर यहाँ पे एक और जुड़ जाए यहाँ पे तीसरी यहाँ पे अगर एक और जुड़ जाए अगर आठ वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे वैलेंस का मतलब होता है आखिरी शल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है आखिरी शल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं तो अगर आठ हो जाएगा तो उसको स्टेबिलिटी मिल जाएगी तो इसको सात छोड़ना आसान है या एक को लेना आसान है एक को लेना आसान है बजाय कि सात को छोड़ना इसलिए ये एक को लेगा और इसीलिए इसकी भी वैलेंसी एक हो जाएगी तो इसको हम आयन और आयन वाले चैप्टर में आयन वाले टॉपिक में हमने क्यों शुरुआत की थी जैसे ही आयन टॉपिक शुरू हुआ था तो इस पर मैं क्यों ले गया था बिकॉज़ यहीं से आपके आयन और बनते हैं जैसे कि एन ने एक खोया एक लूज़ किया तो जब भी कोई लूज करता है तो उसमें पॉजिटिव चार्ज आता है ठीक है जब किसी को देता है ठीक है कौन देता है बड़े दिल वाला देता है यानी कि जो पॉजिटिव जिसकी थिंकिंग होती है वही देता है और जो नेगेटिव थिंकिंग होता है वो सिर्फ लेने का सोचता रहता है तो जो लेता है उसमें नेगेटिव चार्ज आ जाता है इसको जिसमें पॉजिटिव चार्ज आता है उसको हम बोलते हैं कैट आयन जो देता है जिसको हिंदी में बोलते हैं धन आयन और इसको बोलते हैं ऋण आयन यानी कि एन आयन ठीक है इसको हिंदी में बोलते हैं एन आयन तो आप एन आयन का कॉन्सेप्ट गया कैट आयन का कॉन्सेप्ट गया आयन बनते कैसे हैं वो समझ गया क्यों बनते हैं वो समझ, वो समझ गया वैलेंसी क्या होती है वो समझ गया आप ठीक है वैलेंसी मतलब कितने टोटल इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है लूज़ कर रहा है जैसे सोडियम और क्लोरीन जो दोनों की वैलेंसी सेम है लेकिन दोनों में अलग अलग चीज़ हो रही है सोडियम एक को खो रहा है क्लोरीन एक को ले रहा है ठीक है ध्यान रखिएगा और इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि लेना आसान है कि देना आसान है उस टर्म्स में सोचिएगा वैलेंसी को अगर मान लो कि वैलेंस शेल में तीन इलेक्ट्रॉन्स हैं तीन को छोड़ना आसान है कि पाँच को लेना आसान है तीन को छोड़ना आसान है ठीक है मान लो पाँच है वैलेंस शेल में तो तीन को लेना आसान है कि पाँच को छोड़ना तीन को लेना आसान है तो दोनों ही केस में वैलेंसी तीन ही होगी समझ रहे आप तो ये हो गया आपका पूरा आयन का कॉन्सेप्ट और ये मैंने ये आपको बता दिया कि टू एन स्क्वायर क्या होता है और क्या वैलेंसी होती है सारी चीज़ें ठीक है केमिकल फॉर्मूले कैसे लिखते हैं ये आप बेसिक सी चीज़ होती है पढ़ लेना खिल्लों को नहीं पता है ठीक है केमिकल फॉर्मूले कैसे लिखते हैं कोई बड़ी चीज़ नहीं पूछे अभी आपसे ठीक है चलो तो सोडियम जैसे कि देखो देख रहे हो यहाँ पे सोडियम आयन पोटेशियम आयन एक एक इलेक्ट्रॉन इन्होंने लूज़ कर रखा है ठीक है कॉपर आयन ठीक है यहाँ पर जैसे कि आपका मैग्नीशियम है एम जी टू प्लस और इसी से हाँ अभी ये चलो देख ही लेते हैं आपको बता ही देता हूँ कैसे लिखते हैं ये ऐसे लिखते हैं देखो जैसे सोडियम है ठीक है सोडियम ने एक को लूज़ किया था क्लोरीन ने एक को गे, गेन किया था ठीक है तो ये प्लस माइनस छोड़ दो तुम प्लस माइनस छोड़ दो इसने एक को लूज़ किया इसको ने एक को गेन किया तो इसका जितना किया उसके उसको इसके साथ भेज दो इसको इसके साथ भेज दो तो क्या बन जाएगा एन ए वन सी एल वन लेकिन वन वन हम ये लिखते नहीं हैं ठीक है थीके? अब जैसे इसका ले लेते हैं इसका ले लेते हैं जैसे एम जी सी एल टू को ले, ले लेते हैं ठीक है अब एम जी सी एल टू को ले, ले लेते हैं तो एम जी सी एल टू का अगर हम बात करें तो एम जी का कितना एटॉमिक वेट एटॉमिक नंबर होता है बारह होता है तो इसको भरो दो आठ दो होगा तो ये दो को लूज़ कर देगा ठीक है तभी तो एम जी टू प्लस आ जाएगा क्लोरीन का भी हमने देखा था सत्रह होता है ठीक है सत्रह मतलब दो आठ सात यानी एक को लेगा ठीक है इसकी वैलेंसी दो इसकी वैलेंसी एक बस वैलेंसी लिख दो इसके नीचे इसकी वैलेंसी इसके नीचे इसके एलेंसी और क्रॉस कर दो तो एम जी को एक मिलेगा सी एल को दो मिलेगा तो बस बन गया कंपाउंड एम जी सी एल टू तो ऐसे इनको फॉर्मले को लिखते हैं सिंपल ठीक समझिए आप ये भी कि फॉर्मले कैसे लिखते हैं अब आते हैं मॉलिकुलर मास एंड मोल कॉन्सेप्ट वाले टॉपिक पे ठीक है ये कैसे लिखते हैं आप समझ गए ना एन ए टू सी ओ थ्री एन एच फोर का होल ट्वाइस सी ओ फोर वो सब समझ समझिए आप ठीक है बस आपको वैलेंसी को इंटरचेंज कर देना होता है जैसे एन एच फोर है तो ये एक इलेक्ट्रॉन को लूज करता है ठीक है किसी को देता है ये सल्फेट जो है दो वो करता है यानी कि गेन करता है तो ये एन एच के एन एच को दो मिलेंगे ठीक है एन एच फोर को दो मिलेंगे अमोनियम आयन को और एस फोर को एक मिलेगा तो ऐसे ही कंपाउंड बन गया ठीक है अब ये सबसे मेन कंपाउंड मेन चीज़ पे आते हैं जहां से आपका न्यूमेरिकल बनता है क्या बनता है न्यूमेरिकल आपके सी में बार बार इससे क्वेश्चन पूछा गया है आ, अभी नहीं थोड़ा भी एक टॉपिक आगे आएगा पहले मोलिकुलर मास निकालना सीखो मोलिकुलर मास तभी निकाल पाओगे जब अभी मैंने बताया एक से लेकर बीस तक जितने एलिमेंट हैं उनके सबके मॉलिकुलर मास पता होने चाहिए हाइड्रोजन से लेकर कैल्शियम तक तभी तो मोलिकुलर मास निकाल पाओगे जैसे H2O है ठीक है वाटर है H2O इसका एटॉमिक मास कितना होता है एटॉमिक मास इसका वन एटॉमिक यूनिट होता है ठीक है ऑक्सीजन की बात करें सिक्सटीन एटॉमिक यूनिट होता है ठीक है यहाँ पे एक हाइड्रोजन आइटम की बात हो रही है ठीक है वहाँ पे जैसे आप अभी मैंने आपको ऊपर बताया था ना कि हाइड्रोजन का दो एटॉमिक मास होता है वो मैं इसकी बात कर रहा था ठीक है H2 की ठीक है तो उस केस में उसका दो था यहाँ पे सिंगल हाइड्रोजन की बात हो रही है तो आपका वन होता है दो की बात करेंगे तो ये दो होगा ठीक है ऑक्सीजन का सोलह होता है जिन लोगों को नहीं पता एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का सोलह होता है और सॉरी आठ होता है और एटॉमिक मास परमाणु भार सोलह होता है तो इन दोनों को जोड़ोगे तो वाटर का निकल आएगा अठारह ऐसे ही एच एन ओ थ्री का निकाल लेते हैं कैसे ये एच है ये एन है और ये ओ है ये थ्री है ठीक है ऐसे ही तो है एच एन ओ थ्री अब एच का कितना होता है अगर एच टू का होता है दो एच का होता है एक नाइट्रोजन का होता है आपका चौदह बिकॉज सात इसका वो होता है और चौदह ही होता है अब हर केस में डबल ही नहीं होता है ठीक है डबल आपको एक सर्टेन लिमिट तक देखने को मिलेगा फिर डिफरेंस होता है जैसे कि अगर क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर जो होता है सत्रह होता है इसका एटॉमिक वेट साढ़े पैंतीस होता है थर्टी फाइव पॉइंट फाइव वो क्यों होता है पॉइंट में क्यों होता है वो भी हम आगे देखेंगे बिकॉज इसके दो आइसोटोप होते हैं ठीक है चलो आइसोटोप क्या होते हैं वो भी इसी लेक्चर में सीखेंगे ऑक्सीजन का हमने देखा था सोलह होता है ओ का सोलह होता है बट यहाँ ओ नहीं है यहाँ ओ थ्री है तो थ्री कर दो मल्टीप्लाई अड़तालीस हो गया ठीक है इनको तीनों को जोड़ दो कितना तो आ जाएगा 63 थ्री अटोमिक ठीक है ए एम यू लिखो या फिर सिंपल यू लिखो वो सेम चीज़ है ठीक है अब आते हैं फार्मूला यूनिट मास पे फार्मूला यूनिट मास वही सेम चीज़ है यार ठीक है सी ए का निकाल लो सी ए का इतना होता है 40 होता है कैल्शियम का अगर याद होगा और uh, uh, क्लोरिन क्लोरीन का 35.5 होता है बिकॉज दो हैं तो यहाँ पे दो का मल्टीप्लाई कर दो अब आते हैं जहाँ से क्वेश्चन बनता है मोल कॉन्सेप्ट ठीक है टेक एन एग्जाम्पल ऑफ दिस रियक्शन इंडिकेट्स दैट दो जो आपके हाइड्रोजन हैं वो कंबाइन कर रहे हैं एक ऑक्सीजन के साथ वाटर बनाने के लिए यानी चार चार यू अभी क्या है चार यू चार यू क्या है अभी मैंने बताया ना एच मतलब एच का एटॉमिक वेट कितना होता है एटॉमिक मास कितना होता है सॉरी तो ये एक होता है एच टू का कितना होगा दो होगा टू एच टू का कितना होगा चार होगा अरे एच टू का दो होता है तो यहाँ पे दो अलग से लगा है तो दो इंटू दो यानी कि चार एटॉमिक यूनिट का हाइड्रोजन मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहा है बत्तीस यू ऑफ ऑक्सीजन से बत्तीस ही तो होगा ऑक्सीजन ओ का सोलह होता है तो ओ टू का बत्तीस ठीक है टू फॉर्म छत्तीस यू ऑफ वाटर मॉलिक्यूल एच टी ओ का भी निकाले थे कितना होता था कितना हुआ था अठारह अठारह इंटू दो छत्तीस तो या तो आप ऐसे बोल लो जैसे पहले उसमें लिखा है कि टू मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन कंबाइन विद वन मॉलिक्यूल या फिर ऐसे बोल लो सेम ही तो चीज़ है ठीक है ये एक तरह से बैलेंसिंग हमें सिखा रहा है और बैलेंसिंग आपसे वो एग्ज़ाम में नहीं पूछेगा ठीक है ये बोर्ड एग्जाम वगैरह हम पूछते हैं बस अभी के लिए जो मैंने आपको चीज़ बताई है उतना देख लो ठीक है और आपको चीज़ें आसानी से समझ में आ रही होंगी बिकॉज यहाँ पे कुछ ऐसा टिपिकल टाइप ऐसा कोई ऐसा नहीं है रॉकेट साइंस जो आपको समझ नहीं पा रहा है एकदम सिंपल सी चीज़ है बिकॉज हम लोग क्लास नाइन्थ के एन सी टी पढ़ रहे हैं ठीक है सो अ न्यू यूनिट मॉल वॉज इंट्रोड्यूस अब यहाँ पे मॉल आता है ठीक है वन मोल ऑफ एनी स्पीशीज़ और मॉलिक्यूल इज़ दैट क्वांटिटी नंबर हैविंग अ मास इक्वल टू इट्स एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम्स यहाँ से वो गैड्रो नंबर आता है ये अब समझो ध्यान समझना किसी भी अगर किसी भी कोई एक एटम ले और उसे मैं पूछे कि इट्स में टोटल नंबर ऑफ एंटिटीज कितनी हैं तो हम बोलेंगे एवो गैड्रो नंबर और एवो गैड्रो नंबर की वैल्यू होती है सिक्स पॉइंट जीरो टू टू इन टू दावर ट्वेंटी थ्री समझ गए यानी एक एटम में एक किसी भी एक उसमें आप ले लो एक आयन में कितने टोटल एंटिटीज होंगे एक आयन हो गया एक मॉलिक्यूल हो गया एक आपका एटम हो गया उसमें टोटल नंबर जो एंटिटीज़ होती हैं वो होती हैं 6.02 पॉइंट जीरो टू इंटू टेन टू द पावर ट्वेंटी थ्री जिसको हम एवोगैड्रो नंबर बोलते हैं क्या बोलते हैं एवो नंबर ये इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज इससे हमारे काफ़ी सारे न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे एवोगैड्रो नंबर ठीक है इतनी चीज़ समझ गया अब यहाँ से दो चीज़ें आती हैं यहाँ से न्यूमेरिकल बनता है और यहीं से आपका सी में काफी बार आपका न्यूमेरिकल आ चुका है ठीक है और सी में भी एक दो बार आया और एनडीए में भी रिपीट हुआ तो देख लेते हैं पूछ क्या रहा है यहां पे आपको नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला देता हूँ दो ठीक है ये आपका नंबर ऑफ मोल्स नंबर ऑफ मोल के दो फार्मूले होते हैं याद रखना एक तो होता है ऑफ दैट एलिमेंट अपॉन मोलिकुलर मास ठीक है गिवन मास अपॉन मॉलिकुलर मास ये एक फॉर्मूला रट के रखना और एक नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला होता है सॉरी नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है ठीक है क्या नंबर ऑफ एंटिटीज ठीक है फिर नंबर ऑफ पार्टिकल्स नंबर ऑफ एंटिटीज अपॉन गिवन ठीक है ये गिवन है अपॉन एवोगैड्रो नंबर ठीक है एवोगैड्रो नंबर इससे मैं एक तीसरा फॉमूला बना सकता हूँ इन दोनों को मिला के मैं एक तीसरा बना सकता हूँ तीसरा क्या बना सकता हूँ नंबर ऑफ मोल्स यहाँ दोनों साइड सेम है ना तो मैं ये लिख सकता हूँ गिवन मास अपॉन मॉलिकुलर मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ एंटिटीज या फिर पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर कोई दिक्कत इसमें ठीक है ये नंबर ऑफ मॉल्स ये भी है नंबर ऑफ मॉल्स ये भी है तो दोनों को मैंने इक्वल कर दिया तो यहाँ से आपका एक और फॉमूला बन गया इन दोनों को याद रखो ये तो अपने आप बन जाएगा ठीक है अब इस पर न्यूमेरिकल करते हैं इस पर जिसपे आपके न्यूमेरिकल काफी बार आते हैं अब इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करो कैलकुलेट दी नंबर ऑफ मोल्स फॉर दी फॉलोइंग 52 ग्राम ऑफ हीलियम में नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं नंबर ऑफ मोल्स का भी क्या फॉर्मला बताया गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास राइट ये पूछ रहा है हमसे ये पूछ रहा है ठीक है फिफ्टी ग्राम ये गिवन मास है ये फिफ्टी ग्राम गिवन मास है मोलिकुलर मास हमें पता होना चाहिए पहले से वो देगा नहीं हमें पता होना चाहिए रटा होना चाहिए तभी मैंने बोला कि इसको रट रटो हीलियम का कितना होता है हीलियम का चार होता है ठीक है तो चार चार एकम चार यानी कि नंबर ऑफ मोल्स तेरह निकल आएंगे अब ये दूसरे क्वेश्चन में नंबर ऑफ मोल्स निकालो दूसरे क्वेश्चन में कैसे निकलेगा यहाँ पे आपको गेड्रो नंबर दे दिया इसका मतलब किसका यूज़ करेंगे टोटल गिवन नंबर ऑफ यहाँ पे एटम या फिर पार्टिकल्स ठीक है फाइंडिंग वन मोल फ्रॉम नंबर ऑफ पार्टिकल्स ठीक है तो यहाँ पर आपके गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे ठीक है यहाँ पे पार्टिकल्स अपॉन एवो नंबर ठीक है वो नंबर ठीक तो अब यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं ट्वेल्व पॉइंट जीरो फोर फोर ट्वेल्व पॉइंट जीरो फोर फोर इंटू टेन टू द पावर ट्वेंटी थ्री यहाँ अपॉन में वो नंबर की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए वो देगा नहीं दे भी सकता लेकिन वो बहुत कम चांसेस है वो देगा ठीक है पूरा हटाना चाहिए तो टेन टू द पावर ट्वेंटी थ्री से ये कैंसिल हो गया और इसका दुगना होता है तो नंबर ऑफ एन की वैल्यू कितनी आ गई दो पहले में तेरह और दूसरे में दो ठीक है तेरह और दो

आंसर आ जाएगा फोर्टीन ठीक है पॉइंट फाइव मोल ऑफ एन आइटम अब यहाँ पे एन है वन एन टू था तो यहाँ एन है तो यहाँ पे अट्ठाईस चौदह हो जाएगा इसमें ठीक है अब यहाँ पे पूछ रहा है थ्री पॉइंट जीरो वन वन इंटू टेन टू दार्ट ट्वेंटी थ्री नंबर ऑफ नाइट्रोजन आइटम्स इसमें क्या करेंगे नंबर ऑफ यहाँ पे हमसे मास पूछ रहा है देख रहे हो ये हमसे मास पूछ रहा है और ये इसने हमें कुछ दिया नहीं है कुछ इन द सेंस कि देखो इसको कैसे निकालेंगे

पार्टिकल्स कितने दिए हुए थ्री पॉइंट जीरो वन वन इंटू टन टू दार ट्वेंटी थ्री सिक्स पॉइंट जीरो टू इंटू टन टू दार्ट ट्वेंटी थ्री होगा दो नंबर होता है इसे ये कैंसिल हुआ ये दो बार में जाएगा और मोलिकुलर मास कितना होगा चौदह होगा ठीक है तो दो सात यानी कि एम कितनी वाली सात ठीक है सेवन आ जाएगा इसका वैल्यू ठीक है ये भी आपका यहाँ पे ख़त्म होता है ठीक है तो उसका भी सेवन ही यहाँ पे वैल्यू आएगा सेवन ग्राम्स बाकी आप ये वाला सॉल्व करके बताओ इसका आंसर क्या होगा ठीक है तो उम्मीद करता हूँ न्यूमेरिकल भी आपसे अब सॉल्व हो जाएंगे ये चैप्टर हो गया खत्म अगले चैप्टर पे आते हैं यहाँ पे दो चैप्टर हम लोग खत्म करेंगे अब सारे आपके हो जाएंगे ठीक है कुछ भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए जैसे ट्वेल्व ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस है तो इसमें इसको मोल में कन्वर्ट करना है ठीक तो है तो ट्वेल्व ग्राम है ठीक है ट्वेल्व ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस है ऑक्सीजन मतलब ओ टू सोलह इंटू दो बत्तीस ठीक है अब ये कन्वर्ट इंटू मोल हमसे पूछ रहा है तो नंबर ऑफ मोल्स यहाँ से आप निकाल लोगे ठीक है अब अगर गैदो नंबर पूछेगा तो उसके अकॉर्डिंग निकल आएगा अब आते हैं अपने अगले चैप्टर में काफ़ी छोटा सा चैप्टर ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम ठीक है स्ट्रक्चर ऑफ एटम को पढ़ेंगे कि हमारा एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है किसने डिस्कवर किया था उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं प्रोटॉन होते हैं न्यूट्रॉन होते हैं सारी डिस्कवरी किसने की थी ये अभी हम देखने वाले हैं तो यहाँ पे वही चीज़ दिया हुआ है चार्ज पार्टिकल इन मैटर ठीक है एक एटम के अंदर में क्या क्या होता है उसको ढूंढने की खोज स्टार्ट उसकी चीज़ें स्टार्ट हुई कि इसमें क्या क्या है अंदर ठीक है तो सबसे पहले एक सब एटॉमिक पार्टिकल इलेक्ट्रॉन की खोज की जेजे थॉमसन ये भी आपसे पूछ लेता है इलेक्ट्रॉन खोज किसने की प्रोटॉन की किसने की न्यूट्रॉन किसने की तो इलेक्ट्रॉन की जेजे थॉमसन ने की ठीक है इवन बिफोर द इलेक्ट्रॉन वाज आइडेंटिफाइड इससे पहले गोल्ड स्टीन नामक साइंटिस्ट थे उन्होंने एक पॉजिटिवली चार्ज रेडिएशन देखे उसको वो वो थे प्रोटॉन सी लेकिन वो उसको रिकग्नाइज नहीं कर पाया कि इनको या फिर नामकरण नहीं कर पाया प्रोटॉन जो कि फर्दर रदर फोर्ड ने किया था ठीक है तो इसी वजह से कन्फ्यूज़न रहता है बुक्स में कि प्रोटॉन की डिस्कवरी गोल्ड स्टीन ने किया फिर रदर फोर्ड ने ठीक है मैंने चीज़ आपको बता दी आप खुद से डिसाइड करो किसने की ठीक है तो इन्होंने कैनाल रेस इन इसको बोला था ठीक है जो आपकी ये निकले थे पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स ठीक है और यहाँ पे क्या है इट इज़ इट आल्सो अपियर दैट प्रोटॉन्स वर इन द इंटीरियर ऑफ द एटम फॉर वेयर एज इलेक्ट्रॉन्स कुड ईजली बी पील्ड ऑफ बट नॉट प्रोटॉन्स यानी कि जैसे ये आइटम उसका न्यूक्लियस है तो उसी के अंदर ही ये प्रोटॉन्स आपको देखने को मिलेंगे न्यूक्लियस में ठीक है बट जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो उनको पील्ड ऑफ किया जा सकता है ठीक है इलेक्ट्रॉन्स कोड ईजिली भी पील्ड ऑफ बट नॉट प्रोटॉन्स अब जैसे कि ये इलेक्ट्रॉन्स है इलेक्ट्रॉन्स एक आइटम से दूसरे आटम में जाते हैं तभी तो हमने देखा था तो वैलेंसी वाला कॉन्सेप्ट आया था तो आयन बनना स्टार्ट हुए थे ठीक है बट प्रोटॉन का लॉस नहीं होता है ना तो लॉस ना तो गेन ठीक है वो अंदर से उनको पील ऑफ नहीं किया सकता है इलेक्ट्रॉन्स को पील ऑफ किया जा सकता है निकाला जा सकता है एक आटम्स अभी हमने देखा उनको निकाला गया था ठीक है तो ये चीज़ आप समझ गए बेसिक सी चीज़ थी आगे बढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटॉमिक थ्योरी उसके बाद आते हैं थॉमसन जे जे थॉमसन जिन्होंने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी उन्होंने कैसे की थी उन्होंने एक क्रिसमस कडिंग मॉडल दिया था क्रिसमस कोडिंग का मतलब क्या होता है कडिंग क्रिसमस में खीर एक तरह से बोल सकते होती है अब उस खीर में जैसे ड्राई फ्रूट्स होते हैं जैसे आपके खीर में ड्राई फ्रूट्स होते हैं ना ऐसे ऐसे करके है तो बस उन्होंने बोला ऐसे ही अगर आइटम को देखोगे तुम तो ऊपर से तो तुम्हें इलेक्ट्रॉन्स नजर आएंगे जैसे एक खीर में ड्राई फ्रूट्स वैसे एक आइटम में इलेक्ट्रॉन्स इन्होंने एक वाटर मेलन का भी कॉन्सेप्ट किया जैसे आपका वाटर मेलन होता है जिसको तरबूज बोलते हैं उस तरबूज में जो आपका लाल हिस्सा होता है जिसको गुदा बोलते हैं ठीक है ठीके? तो वो आपका क्या है वो प्रोटॉन एक तरह से बोल सकते हैं न्यूक्लियस में और जो बीज हैं जिनको आप पील ऑफ कर सकते हो आसानी से वो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं ठीक है ठीके? जैसे ये आपका खीर मान लो या फिर तरबूज मान लो जो भी मानो और ये आपके क्या हैं उसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ये आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी थॉमसन ने की और कौन सा मॉडल दिया क्रिसमस पडिंग मॉडल ठीक है उसके थ्रू उन्होंने इसकी डिस्कवरी की थॉमसन प्रपोज वॉट एन एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज फेयर एंड द इलेक्ट्रॉन्स आर एमडेड इन यानी पॉजिटिवली चार्ज फेयर होगा ठीक है ये आपका न्यूक्लियस है न्यूक्लियर में प्रोटॉन्स है यानी इसी वजह से पॉजिटिवली चार्ज है और इसके अराउंड ये आपके क्या हैं इलेक्ट्रॉन्स हैं ठीक है नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स हैं द नेगेटिवली एंड पॉजिटिवली चार्ज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड्स ऑफ द एटम एज अ होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एटम न्यूट्रल क्यों होता Because जो positive charge और negative charge है बिकॉज जो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज है वो आपका बैलेंस हो जाता है आपस में इसी वजह से ठीक है और आगे बढ़ते हैं फिर आता है रदर फोर्ड ने अपना मॉडल दिया आटम का रदर फोर्ड ने जब अपना मॉडल दिया तो इससे इन्होंने कुछ चीज़ों की डिस्कवरी की अब इन्होंने अल्फ़ा पार्टिकल्स को बम्बार्ड किया एक गोल्ड फॉयल में तो इस एक्सपेरिमेंट को बोलते हैं गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट ठीक है गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट या फिर अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं बिकॉज इन्होंने क्या क्या किया क्या था जो अल्फ़ा पार्टिकल थे जो कि पॉजिटिवली चार्ज थे कैसे चार्ज थे पॉजिटिवली चार्ज थे उसको एकदम बॉम्बार्ड करवाया इसमें एकदम जैसे नहीं गोली वोली मारते हैं ठीक है तो इसमें बॉम्बार्ड करवाया ये आपकी गोल्ड की शीट थी अब गोल्ड की फॉइल को ही क्यों यूज़ किया बिकॉज वो काफ़ी गोल्ड मैलिएबल होता है उसको शीट्स में ड्रॉ किया जा सकता है पतली पतली शीट्स में ठीक है तो इसी वजह से उसको यूज़ किया अल्फा पार्टिकल आर डबली चार्ज हीलियम आयन सिंस दे हैव अ मास ऑफ दिस फॉर यू द फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल है कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी भी होती है इसमें इट वॉज एक्सपेक्टेड दट अल्फा पार्टिकल वुड बी डिफ्लेक्टेड बाई सब बाई दब अटोमिक पार्टिकल इन दी गोल्ड एटम्स सिंस द अल्फा पार्टिकल वर मच हैवियर दैन द प्रोटॉन्स ही डिड नॉट एक्सपेक्ट टू सी लार्ज डिफ्लेक्शन यानी कि हुआ क्या इन्होंने ये, ये एक्सपेक्ट किया था कि हम अल्फा पार्टिकल को बम्बार्ड कर रहे हैं ठीक है क्योंकि आइटम के अराउंड पॉजिटिवली चार्ज होता है तो ये तो ये जो है सिंस दी अल्फा पार्टिकल वर मच हैवियर देन दी प्रोटॉन्स ही डिड नॉट एक्सपेक्ट टू सी लार्ज उतने डिफ्लेक्शन होंगे नहीं बट इन्होंने डिफ्लेक्शन देखे अब यहाँ पे कैसे डिफ्लेक्शन देखे देखते हैं ठीक है जैसे ये आप देख सकते हो उन्होंने अल्फ़ा पार्टिकल्स को यहाँ पे बोमार्ड किया और यहाँ पे तो काफ़ी सारे जो है ये गोल्ड फॉयल से निकल गए ठीक है देख रहे हो आप निकल गए लेकिन कुछ जो है डिफ्लेक्ट हो गए कुछ स्ट्राइक बैक हो के वापस आ गए देख रहे हो आप कुछ जो है यहाँ से स्ट्राइक बैक हो के वापस आ गए सारे नहीं हो रहे ज़्यादातर जा रहे हैं बट कुछ वापस आ गया ठीक है बट दी अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट गिव टोटली अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट द फॉलोइंग ऑब्जर्वेश्स मेड मोस्ट ऑफ द फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स फास्ट स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉल जो अभी मैंने ऊपर दिखाया वो निकल गए सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल गेट डिफ्लेक्टेड बाई दॉय बाई स्मॉल एंगल्स तो बहुत ही कम एंगल से डिफ्लेक्शन हुआ देख सकते हो यहाँ पे काफ़ी कम एंगल्स से यहाँ पर डिफ्लेक्शन हो गया उन पर और सरप्राइजिंगली वन आउट ऑफ एवरी बारह हजार पार्टिकल अपीयर टू रिबाउंड बाउंड बारह हजार पार्टिकल जो उन्होंने फेंके उसमें से एक रिबाउंड uh, हो गया ठीक है तो अब इससे इन्होंने क्या कंक्लूड किया तो जो कंक्लूजन है एक्चुअली वो ये है जिसको हम पहले ही पढ़, जो हमने पहले ही पढ़ ली ठीक है नहीं नहीं ये ये हम लोगों ने पढ़ा था ठीक है ये जो इन्होंने कंक्लूड किया फॉलोइंग अ सिमिलर रीजनिंग रदर फोर्ड कंक्लूडेड फ्रॉम द अल्फा पार्टिकल ट्रिंग एक्सपेरिमेंट दैट मोस्ट ऑफ द स्पेट इन साइड दी बिकॉज मोस्ट ऑफ द एल्फा पार्टिकल पास थ्रू दी गोल्ड फॉयल विदाउट गेटिंग डिफ्लेक्टेड ठीक है ज़्यादातर जो स्पेस है एटम के अंदर वो खाली है तभी तो जो जितने ज़्यादातर वो थे वो सब पास हो गए अगर खाली ना होता तो डिफ्लेक्ट होता या फिर वहीं पर रुक जाते चिपक जाते या फिर आ, वापस हो जाते वहीं से यानी कि वो अट्रैक्ट हो जाते चिपक जाते या रिपल हो जाते तो वापस आ जाते अगर वो चले गए हैं यानी कि बीच में खोखला है सब ज़्यादातर वेरी फ्यू पार्टिकल डिफ्लेक्टेड अगर कुछ डिफ्लेक्ट हुए तो मतलब पूरा तो खोखला हो नहीं सकता है यानी कि अब डिफ्लेक्ट हुए हैं डिफ्लेक्ट का मतलब क्या है डिफ्लेक्ट कब हो सकता है जब रिपेल होती है चीज़ें तब डिफ्लेक्ट होगा रिपेल कब होगा जब लाइक 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 चार्जेस होंगे लाइक चार्जेस रिपल ईच इधर पढ़ा हुआ है ना अपने तो यानी कि उन्होंने पॉजिटिवली चार्ज जो अल्फ़ा पार्टिकल्स जो अल्फा पार्टिकल्स थे उनको बम्बार्ड करवाया था तो डिफ्लेक्ट हुआ मतलब वहाँ पर आपका कुछ ना कुछ न्यूक्लियस में पॉजिटिवली चार्ज होगा तभी तो वापस आया तो यहीं से डिस्कवरी होती है न्यूक्लियस की और यहीं से उन्होंने प्रोटॉन नाम दिया था थीके? तो ठीक है तो प्रोटॉन की खोज हो गई या फिर न्यूक्लियस की किसने की रदर ने की यहाँ से इस चीज़ को ध्यान रखना आपको ठीक है इतनी चीज़ क्लियर हो गई और ऑन द बेसिस ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट रदर फोर्ड रदर फोर्ड पुट फॉरवर्ड द न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम देर इज पॉजिटिवली चार्ज सेंटर इन द एटम कॉल द न्यूक्लियस तो न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की रदर ने

कोई भी आइटम में इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ऐसे नहीं कि बस घूम रहे हैं कहीं भी उड़ रहे हैं ना वो डिस्क्रीट उनकी खुद की एक ऑर्बिट है उसके अराउंड वो उसी में घूम रहे हैं जो ये हो गई पहली ऑर्बिट ठीक है ये दूसरी ऑर्बिट ये तीसरी ऑर्बिट तो पहली वाली ऑर्बिट को हम बोलते हैं के शेल दूसरी को एल एम एन ओ पी क्यू ऐसे चलता रहेगा के से बस चालू होगा ये चीज़ ध्यान रखना और इसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम घूम सकते हैं अभी बताया था टू एन स्क्वायर का यूज़ करो यानी दो घूम सकते हैं इसमें कितने घूम सकते हैं मैक्सिमम आठ हो सकते हैं इसमें कितने हो सकते हैं मैक्सिमम अठारह हो सकते हैं ठीक है अभी टू एंड स्क्वायर से आपको मैंने बताया है ठीक है या इनको के एल एम से डिनोट करते हैं तो वही इन्होंने बताया था कि ओनली तो सर्टेन स्पेशल ऑर्बिट में ये घूमते हैं ठीक है डिस्क्रीट ऑर्बिनिट्स में और जब ये घूमते हैं तो ये कोई एनर्जी रेडिएट नहीं करते हैं एनर्जी रेडिएशन तब होता है जब गेन और लॉस होता है सेटअप ठीक है इतना चीज़ समझिए अब आते हैं न्यूट्रॉन तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी इस ध्यान रखना ठीक है जेम्स चैडविक डिवर्ड अनदर सब ऑटोमिक पार्टिकल विच हैड नो चार्ज इसका कोई चार्ज नहीं होता है इलेक्ट्रॉन जैसे हमने देखा था नेगेटिवली चार्ज होता है ठीक है जिसकी खोज किसने की थी जे जे थॉमसन ने की थी उन्होंने वो क्रिसमस पडिंग मॉडल दिया था और वाटरमेलन वाला भी उन्होंने समझाया था प्रोटॉन में किसकी डिस्कवरी इन्होंने किया देखो प्रोटॉन की सबसे पहले तो गोल्डस्टीन ने ऑब्जर्व किया था जिनको कैनाल रेज बोला था फिर अदर फोर्ड आए उन्होंने अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया जिससे उन्होंने पॉजिटिवली चार्ज्ड एक न्यूक्लियस को डिस्कवर किया मतलब कि उस उस न्यूक्लियस के अराउंड कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत पॉजिटिव चार्ज है जिसकी वजह से वो अल्फ़ा रे स्कैटर हुए थे तो उससे उससे उन्होंने प्रोटॉन की डिस्कवरी की यहाँ से न्यूट्रॉन की जो डिस्कवरी है जेम्स चैडविक ने इट वॉज न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन ये आपके न्यूट्रल होते हैं कोई चार्ज नहीं होता ठीक है न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ ऑल एटम्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन ये चीज़ सुपर इंपॉर्टेंट है ठीक है नहीं सब में होता न्यूट्रॉन लेकिन हाइड्रोजन में नहीं होता बेचारे में क्यों नहीं होता वो हम आगे देखेंगे जब न्यूट्रॉन को कैलकुलेट करना देखेंगे सीखेंगे न्यूट्रॉन को तब वहाँ पे हम लोग उस चीज को ऑब्जर्व करेंगे ठीक है देखेंगे अभी आते हैं चलो नेंद थ्री सब अटोमिक पार्टिकल क्या हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है तो सिंपल सा है हाउ आर इलेक्ट्र हाउ आर इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट ऑर्बिट्स सो डिफरेंट ऑर्बिट्स में कैसे इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट होते हैं ये अब आप पढ़ चुके हो टू एन स्क्वायर वाला वही है ठीक है कोई अलग नहीं है वैलेंसी क्या होती है बोर फ्रॉम बोर बरी स्कीम वी ऑल्सो नो डैट आउटर मोस्टल ऑफ कैन एकोमोडेट मैक्मम ऑफ एट इलेक्ट्रॉन्स है ना आउटर मोस्ट कितने अकोमोडेट uh, कर सकते हैं मैक्सिमम आठ तो आठ की वो कम्पलीट करने के लिए स्टेबिलिटी गेन करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स का आदान प्रदान चलता है सब कुछ मैं आपको बता चुका हूँ पिछले उसमें ठीक है वैलेंसी में तो यहाँ पर पढ़ाने की जरूरत है नहीं मुझे कुछ ठीक तो ये आप समझ देख लो ठीक है किसकी कितनी क्या वैलेंसी होगी ठीक है जैसे इसको बेचारे को हाइड्रोजन अगर ये एक लूज कर देगा तो या फिर एक गेन कर लेगा तो उसको स्टेबिलिटी मिल जाएगी तो वैलेंसी वन हो गई हीलियम के पास दो हैं तो इसके पास इसकी वैलेंसी जीरो होगी क्यों क्योंकि ये पह, पहली शेल में मैक्सिमम दो हो सकते हैं इसके पास दो हैं इसको स्टेबिलिटी गेन करने के लिए स्टेबिलिटी लाने के लिए इलेक्ट्रॉन को ना तो गेन करना है ना लूज़ करना है तभी जो आपके इनर्ट गैसेज होती हैं जितनी भी इनर्ट गैसेज होती हैं जिनको नोबल गैसेज बोलते हैं वो जो बिल्कुल रिएक्टिव नहीं होती हैं ठीक है क्यों रिएक्टिव नहीं होती हैं क्यों रिएक्ट करना ही क्यों जिसको स्टेबिलिटी गेन करनी हो वो रिएक्ट करे इनको तो स्टेबिलिटी नहीं गेन करनी तो रिएक्ट क्यों करें क्यों क्योंकि इनका ऑक्टेट ठीक है ऑक्टेट बोलते हैं इसको ठीक है किसको ये जो आपका आउटर शेल होता है उसको एक तरह से बोल सकते हैं ऑक्टेट इनका ऑक्टेट फुलफिल्ड है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इनके पास पूरे हैं भरे हुए हैं ठीक है वैलेंस शेल जो है वैलेंस शेल शेल का मतलब ऑर्बिट शेल का मतलब वही होता है ऑर्बिट ठीक है तो वैलेंस शेल का मतलब क्या हो गया जो इनकी आखिरी ऑर्बिट होती है उसको वैलेंस शेल बोलते हैं तो वो पूरी भरी हुई है तो इनको कुछ रिएक्ट रिएक्ट करना ही क्यों है तो इसी वजह से इन सभी की हीलियम नियॉन ऑर्गन क्रिप्टन जेनॉन इन सबकी वैलेंसी जीरो होगी ठीक है जैसे यहाँ देख लो नियॉन की वैलेंसी कितनी है जीरो है ठीक है ऑर्गन में कितनी है जीरो है फॉस्फोरस की ध्यान रखना दो होती हैं तीन होती है और पाँच होती है क्यों होती उतना डीप में नहीं जाना मैं बट ये याद रखना कि फॉस्फोरस की दो वैलेंसी होती है तीन होती है और पाँच होती है ठीक इतनी चीज़ आप समझ गए कि कैसे वैलेंसी वगैरह हम लोग निकालते हैं ठीक है और आप वो ध्यान रखना एटॉमिक नंबर क्या होता है एटॉमिक नंबर जैसे कोई ये है ठीक है एम करके लो लो ला, 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 ये मान लेते हैं कोई एलिमेंट है तो ये इसका एटॉमिक नंबर होता है जो नीचे लिखा होता है और वो ऊपर जो लिखा होता है एटॉमिक मास एटॉमिक नंबर को जेड से डिनोट करते हैं टॉपिक मास को एम से डिनोट दिनो, करते हैं ठीक है थीके? और ये आपको एक से लेकर बीस तक सब रटे होने चाहिए ठीक है मास नंबर वगैरह अब यहाँ पे प्रोटीन ये सॉरी प्रोटीन बोल रहा हूँ यहाँ पे आपको आइसोटोप्स दिए हुए हैं आइसोटोप क्या होते हैं हम पढ़ेंगे आइसोटोप आइसोबार और आइसोटोन आइसोटोप का मतलब होता है अ नंबर 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 ऑफ ऑफ सम एलिमेंट हैव हैव बीन आइडेंटिफाइड द सेम एटॉमिक बट डिफरेंट मास तो एक एलिमेंट के डिफरेंट एटम्स में उनका सेम क्या होगा एटॉमिक नंबर होगा बट डिफरेंट एटॉमिक वेट होगा जैसे प्रोटियम ड्यूटेरियम और ट्राइटियम ये हाइड्रोजन के क्या हैं आइसोटोप्स हैं क्यों आइसोटोप्स हैं बिकॉज इसका जो एटॉमिक नंबर है दैट इज सेम वो एक है प्रोटियम में एक है ड्यूटेरियम में एक है ट्राइटियम में एक है बट जो एटॉमिक मास है एटॉमिक ये जो मालिकुलर ये मास है ठीक है ये डिफरेंट है जो मास नंबर है वो डिफरेंट है यहाँ एक है प्रोटियम में ड्यूटेरियम में दो है ट्राइटियम में तीन है इसी वजह से क्या होंगे आइसोटोप बिकॉज एटॉमिक नंबर तो सेम है बट एटॉमिक मास डिफरेंट है ठीक है इसमें कोई दिक्कत जैसे ये एटॉमिक नंबर तो सेम है एटॉमिक मास डिफरेंट है समझ गया सत्रह है ये अब देखो यहाँ पे यहाँ पर दो आइसोटोप दिए हैं आपके क्लोरीन के सत्रह यहाँ पे देख लेते हैं नीचे दिया है कि नहीं नहीं, नहीं तो मैं आपको समझाता हूँ हाँ यहाँ पे दिया हुआ है क्लोरीन अकर्स क्लोरीन अकर्स इन टू आइसोटोपिक फॉर्म्स विदिस थर्टी फाइव यू एंड थर्टी सेवन यू इन द रेश टू वन इसी वजह से अभी मैंने को बताया था, था क्लोरीन जिसका अटोमिक नंबर सत्रह होता है इसका अटोमिक मास साढ़े पैंतीस लिखते हैं क्यों क्योंकि पैंतीस और सैतीस के ये दो आइसोटोप होते हैं इसके यानी कि सत्रह सी एल पैंतीस और सत्रह सी एल सैतीस अब ये थ्री टू वन के रेशियो में होते हैं तो अगर थ्री टू वन के रेशियो में तो उसमें परसेंटेज के टर्म्स में निकालेंगे तो उतना ही निकल के आता है तो इसी वजह से इसको हम इसका इसकाटोमिक मास थर्टी लिखते हैं ठीक है वो यहाँ पर आप देख सकते हो क्यों थर्टी लिखते हैं उन्होंने पूरा एक्सप्लेन किया है आइसीटोप समझिए अभी अब यहाँ पे इसके एप्लीकेशन लिखे हो आइसोटोप के देख लेना अच्छे से ये पूछा जाता है कई बार जो यूरेनियम का आइसोटोप है उसको एज अ फ्यूल ईंधन के तौर पे न्यूक्लियर रिएक्टर्स में यूज़ किया जाता है ठीक है जो आपका न्यूक्लियर फ्यूज फ्यूजन रिएक्शन होती है दो तरह से एनर्जी जनरेट होती है ना न्यूक्लियर फ्यूजन परमाणु संलयन और परमाणु विखंडन यानी न्यूक्लियर फ्यूजन तो फ्यूजन में इसका यूज़ होता है आइसोटोप ऑफ कोबाल्ट को यूज किया जाता है कैंसर को ट्रीट करने के लिए आयोडीन का आइसोटोप यूज़ किया जाता है ग्वाइटर यानी कि घेंगा को ट्रीट करने के लिए जिन लोगों के आयोडीन की कमी होती है उनको घेंगा रोग हो जाता है ये मैंने आपको हार्मोन वाले चैप्टर में ही बताया था बायोलॉजी में ठीक आइसो बार देखते हैं आइसो बार क्या होते हैं उसका उल्टा होता है जो आइसोटोप होता है ना उसका उल्टा होता है आइसोटोप में क्या सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट एटॉमिक मास इसमें सेम एटॉमिक मास बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर बस सिंपल ठीक है वही उसका बस अलग होता है मतलब उसका उल्टा होता है ठीक है यहाँ पे आपका ख़त्म हो गया चैप्टर बट आइसोटोन इन्होंने नहीं समझाया अब आइसोटोन से मैं आपको न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं वो समझाता हूँ पहले ये आप समझ गए ना ठीक है लेटस कंसीडर टू एलिमेंट्स कैल्शियम एटॉमिक नंबर 20 एंड आर्गन ठीक है एटॉमिक नंबर 18 द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दिज एटम इज डिफरेंट बट मास नंबर ऑफ इज सेम यानी कि कैल्शियम 20 40 होता है और आर्गन 18 40 होता है तो एटॉमिक मास सेम है बट ये नंबर uh, डिफरेंट है तो इस वजह से ये आइसो बाहर हो जाएंगे अब यहां से आइसोटोन समझो क्या होता है आइसोटोन होता है सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अभी न्यूट्रॉन क्या होता है भैया कैसे निकालते हैं तो न्यूट्रॉन का ऐसे कुछ नहीं बस एटॉमिक नंबर से एटॉमिक मास को घटा दो जैसे ये 18 ये आर्गन होता है 18 और 40 तो इसमें आठ... न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकालेंगे 40 में से 18 घटा दो निकल आएगा ठीक है कितना निकल आएगा ये निकल क्या आएगा बाईस ठीक है तो न्यूट्रॉन की संख्या निकल आई तो न्यूट्रॉन की संख्या निकालना आप सीख गए ठीक तो वहाँ से आप बता सकते हो कि अगर दो कोई एक एलिमेंट है उसके दो एटम हैं या फिर दो एलिमेंट के डिफरेंट आइटम्स हैं दो डिफरेंट एलिमेंट के आइटम्स हैं तो वो आपस में आइसोटोन हैं कि नहीं है वो कैसे बता सकते हो सिंपल न्यूट्रॉन नंबर निकालो अगर न्यूट्रॉन का नंबर सेम है तो वो आइसोटोन होंगे नहीं तो नहीं होंगे न्यूट्रॉन का नंबर कैसे निकालते हैं एटॉमिक मास से एटॉमिक नंबर को घटा दो न्यूट्रॉन निकल के आएगा अब प्रोट इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन प्रो प्रो भी समझ लो इलेक्ट्रॉन कैसे क्या होता है प्रोटॉन क्या होता है और न्यूट्रॉन क्या होता है किसी एक एटम में तो मान लेते हैं ये कैल्स ऑर्गन का एग्जाम्पल ले लेते हैं अठारह चालीस ठीक है इलेक्ट्रॉन ये होता है प्रोटॉन ये होता है समझ गए क्या बोल रहा हूँ अगर इलेक्ट्रॉन मैं पूछूँ इसमें कितने है, तो 18 हैं तो अठारह हैं प्रोटॉन कितने हैं जितना अटोमिक नंबर है उतने ही हैं यानी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है ठीक है न्यूट्रॉन कितना होगा अभी बताया इसमें से इसको घटा दो बाईस यानी कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू प्रोटॉन इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल टू एटॉमिक मास सब्ट्रैक्टेड बाय एटॉमिक नंबर और ये मिल जाएगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन समझिए अभी खत्म हो गया आपका आप क्वेश्चन कहीं से भी आप लगा लो लग जाएगा आपसे क्वेश्चन ठीक है कहीं कुछ दिक्कत हो तो कमेंट में बता देना बाकी मैंने अपने साइड से पूरा चैप्टर को करवा दिया कंप्लीट इसकी समरी वगैरह देखना देख लेना क्वेश्चन आप यहाँ से अटेम्प्ट कर सकते हो जो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप है ऐसा नहीं कि लिख रहे हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन बैठ के ठीक है आई सो टॉप तो ऑफ एन एलिमेंट हैव क्या ठीक है अब ये ध्यान रखना आइसोटोप में यहाँ पे आपको एक चीज़ आ, लिखी हुई यहाँ पे कि जो आइसोटोप होते हैं उनके सेम केमिक आपकी एक सेकेंड इसको हटा देते हैं एक चीज़ ध्यान रखना है कि इसमें आपकी सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़ बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं ठीक है ये चीज़ ध्यान रखना आइसोटोप में आइसोटोप ऑफ एन एलिमेंट हैव वॉट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ठीक है यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है आपको ठीक है केमिकल प्रॉपर्टीज़ सिमिलर होंगी आइसोटोप की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होंगी ये चीज़ आपको नोट याद रखना है ठीक है केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी बट फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होंगी तो सेम फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ नहीं डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज़ नहीं डिफरेंट नंबर डिफरेंट अटोमिक नंबर नहीं अटोमिक नंबर तो डिफरेंट नहीं सेम होता है डिफरेंट आपका नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन होगा इसका आंसर ठीक है क्लोरीन में बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे बताओ खुद ही कितने हो जाएंगे यहाँ पे क्लोराइड आयन है ठीक है सी एल माइनस तो क्लोरीन में भाई होते हैं सात होते हैं अब यहाँ पे एक आ गया ए, एक माइनस लगा इसका मतलब क्या उसने एक ले लिया तो मतलब अब आठ हो गए ठीक है रदर फोर्ड अल्फा पार्टिकल सर्ट्रिंग वॉज रिस्पांसिबल फॉर द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आपका न्यूट्रॉन तो यहाँ पे अटोमिक न्यूक्लियस मेनली उसने डिस्कवर किया था मेनली न्यूक्लियस डिस्कवर किया था ठीक है चलो और कुछ ख़त्म होता है यहाँ पे ठीक है यहाँ पे हमारा पूरा चैप्टर खत्म होता है अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना इस वीडियो को शेयर कर देना इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ और बाकी टेलीग्राम ग्रुप के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे आपके एन डी ए का अलग है सी डी एस सी ए पी एफ का अलग है तो वहाँ पर आप ज्वाइन रहना वहाँ पर सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे धन्यवाद